गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलें जी, चलते हैं बाहर। हम लोग जा रहे हैं, कुछ चीज़ें लेके आनी है मुझे, डीएम से इफ़ा को पिक करना है, और बस चलते हैं। आ जाए फिर मेरे साथ साथ। नीचे उतरते उतरते कुछ ज़रूरी काम, गारबेज सारा फेंकने वाला है, बॉटल्स रखने वाली हैं। चलें आपको बाहर से भी दिखाते हैं। ये रहे हमारे जो गारबेज वाले सारे ड्रम शम रखे हुए हैं, इसमें फेंकेंगे। दिखाते हैं, ये देखें जी, खाना आके खाना है और मुझे भूख लग गई थी, मैंने कहा एक्टिमल पीते जाते हैं। मौसम ठीक है और अच्छी खासी धूप है, और मैंने जैकेट पहन ली हुई है, लेकिन सुकून है फिर भी। बहुत दिन के बाद आज सुकून है, एक बार फिर लग रहा है गर्मियों वाला चांस बन रहा है। थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए, दिल कर रहा है, क्योंकि आगे जाके बहुत सर्दी आ जाएगी। सफाइयाँ शफाइयाँ चल रही हैं। ओके जी, गाड़ी में बैठते हैं। लो जी, सफाई हो रही है, सारी ग्रास कट रही है। उन्होंने भी आज देखा है मौसम अच्छा है, तो चलो मौके से फ़ायदा उठाओ। जर्मन के बीच मौसम भी अच्छा होना चाहिए, निकलना पसंद है मतलब काफ़ी। हाँ ना, पाकिस्तान ताज़े ताज़े आए हैं, हाँ बहुत गर्मी थी, और जैसे ऐसी इतने आए टेम्परेचर काफ़ी नीचे सी, और ऐ तो देख के सुकून आ रहा है। अभी आज तो सही वाला सुकून मिल गया, घर अभी भी बहुत ठंडे हैं ना, तो बाहर आके पता चल रहा है कि आज वाकई टेम्परेचर थोड़ा सा है 22। बंदे अंदर अंदरों को जितने बाहर हो करो, कार कुछ है और बाहर कुछ है। आहो जी, एन जी है साला ना काम आ गया। मैं अभी आई हूँ जी यहाँ पे पाकिस्तानी स्टोर में, मुझे यहाँ से लेनी है चिल्ली सॉस, जो कि ना बड़ी पैकिंग है, छोटी नहीं है। चलें देखते हैं और क्या लेना है। लें जी पाकिस्तानी आइटम्स, खैर मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए है। हाँ, वाइट ज़ीरा मुझे चाहिए, याद आ गया, लेते हैं वो यहाँ से। ये लिया बस मैंने। निकलें जी, निकलें, बस हो गया काम। चिल्ली सॉस इतनी बड़ी बॉटल मिली है, फिर मैंने वही वाली ले ली है, अब क्या करें। इफ़ा के स्कूल आज मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, इफ़ा को पिक करते हैं पहले, फिर मुझे डीएम जाना है। ये रहा जी इफ़ा का स्कूल, किसी को वीडियो बनाती हुई मैं नज़र ना आ जाऊँ, इवन इफ़ा को भी ना पता चल जाए, और ना उसे मेरे डांट पड़ जानी, आप वीडियो बना रही हैं। बच्चे निकल रहे हैं जी बाहर, स्टूडेंट्स खड़े होकर बस का वेट कर रहे हैं, बस भी पता नहीं इतनी इतनी लेट आती है। वालेकुम सलाम, आज इफ़ा आप लेट हो गई हो, मैं आई हूँ शायद लेने के लिए, सारी आवाम बाहर। अच्छा, कह रही थी मैं छुपाता भी नहीं लूंगी, मैं नहीं पापा छुपाना चाहिए वो, मैंने कहा था वो थोड़ा सा पहले जाने देते हैं, लेकिन मैं इधर 10 मिनट हो गए खड़ा हूं वहां पे। हम अच्छा खासा आपका वेट कर रहे हैं कि अभी आ रही हो, अभी आ रही हो, बाहर हाल चलो। जैकेट के लिए पहले जाना है कि बाद में जाना है, देख लो भी नहीं जैकेट का तो मौसम ही नहीं, जैकेट का भी अगले हफ्ते वीकेंड को देखेंगे, अभी ना इस टाइम पे अब डीएम ही चलते हैं खाली। वीकेंड पे वादम होता है साथ, बड़ा तंग करते हैं, इजी हो के जाके देख लो, देख लो अगर को पसंद आ रही है तो। मौसम तो नहीं है कल से फिर, लेकिन फिर भी लेके तो रख लो ना। हां मैं भी लेके जैकेट उतार ली है मैंने, बाहर तो बहुत ही गर्मी है। नंबर 1 पे तो हमने ले ली है ट्रॉली, और यहाँ पे बच्चों को क्या हो रहा है। सबसे पहले लेना है जी मुझे बॉडी लोशन, देख लो इफ़ा आप ही देखो। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये एक लोशन लिया है, इफ़ा ने अपने लिए ये वाला ले लिया है। ओके, अभी चलो पेस्ट लेनी है मुझे, और यहाँ से हाँ ज़ाइफ़े लेना है मुझे, ये भी ले लो इफ़ा। कौन से वाला ठीक है? ज़ाइफ़े, हाँ हैंड ज़ाइफ़े जो है, हाँ सही है, ये दो चेंज एक जैसे नहीं लो। हाँ देखो, कॉलगेट ले लो। ओके जी, ठीक हो गया। और क्या लेना था? हाँ इफ़ा, टिशू लेने हैं हमें, टिशू रोल भी लेने हैं, टॉयलेट वाले भी लेने हैं, और दूसरे पॉकेट वाले भी लेने हैं, सारे लेने हैं, आ जाओ जल्दी से। ये रहे टॉयलेट पेपर, और और, और, और हाथ वाले कहाँ पे हैं? हाथ वाले आए थे ये है इफ़ा, ये वाले ठीक है। हाँ इसमें कितने रोल हैं? 8 रोल है। ओके सही है। और क्या लेना था? हाँ इस साइड पे, वो दूसरे कहाँ पे हैं?
पॉकेट वाले पेपर्स जो हैं वो नीचे सामने टेम्पू। ओके, इसमें से देखो कौन से वाला, ये वाला ले लो, ये वाला है, यहाँ कौन सा वाला बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत बड़ा है वो जो साइड में है ना, वो नहीं, हाँ वो ठीक है। ओके हो गया। इफ़ा को कुछ अपना याद आ गया है, कौन सी पिक्चर निकालनी है इफ़ा, आपकी और नानों की? ओके चलो जी, देखते हैं कौन सी पिक्चर है इफ़ा और इफ़ा की नानों की। इतने में मैं कुछ और याद कर लेती हूँ कि मुझे और क्या लेना है, अल्लाह करे अब याद आ जाए। अच्छा यही देख लेते हैं फिर, ये कॉस्मेटिक वगैरह, आपका मेकअप वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपको टिश्यू चाहिए हो तो वो भी पास होने चाहिए। ये भी एक बॉक्स ले लेते हैं। इफ़ा मुझे लगता है वो पिक्चर ऊपर चली गई है, ये हाँ ये वाली बिल्कुल, लो जी ये भाई यही पिक्चर। इफ़ा इतनी मतलब क्विक जो है ना ये प्रिंट हुई है, दिखाओ ज़रा, क्या बात है। हाँ ये लावा प्याती भी ले लो, ग्रीन वाला ऊपर से, इफ़ा मैं प्रिल का यूज़ करती हूँ। हाँ और हमें टॉयलेट का क्लीनर भी लेना है, वो कहाँ पे है देख लो ज़रा प्लीज़। इफ़ा स्कूल से आई है थकी हुई और इफ़ा को मैंने किन कामों पे लगा दिया, चले मैं खुद ही देखती हूँ। ओके जी, बाथ का क्लीनर तो मुझे मिल गया है, यही मुझे सही लग रहा है सबसे। इफ़ा ये लेनोर के देखो, इसमें से सबसे अच्छी किसकी फ्रेगरेंस है, नॉन स्टॉप मेरे से इसकी है, वियोला की, और उसकी भी नॉन स्टॉप, ये सभी की नॉन स्टॉप है, सारे ले नहीं फ़िलहाल एक ही लेते हैं, शुक्र है उन्होंने इसकी छोटी पैकिंग भी निकाल दी है, पहले तो इतनी बड़ी थी उसकी प्राइस भी ज़्यादा थी, इसकी प्राइस भी ठीक है, आपस की बात है। लास्ट में अपने बेबी के पैम्पर्स भी ले लेते हैं। हाँ मैंने यहाँ से एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ लेनी है इफ़ा, पैंट्स जो है ना, पैंट्स जो होती हैं वो लेनी है, 6 नंबर 6। साइज चेंज कर लिया जी हमने, हमारे बेबी को छोटा ना एक नाइट में चाहिए होता है बस, ये एक बच्चा कंटिन्यूसली रोता जा रहा है हम जब से डीएम में है, है ना, पता नहीं उस बेचारे को क्या चाहिए जो उसकी मामा नहीं लेके दे रही है। अच्छा इफ़ा मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, एक चीज़ चाहिए। ओके अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है यार, एक बड़ी स्पेशल चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिली नहीं है, खैर हम किसी से पूछ लेते हैं, वो कुछ है भी न्यू ही है मुझे लगता है। अच्छा जी मुझे मेरा फेवरेट मिल गया, ये बहुत मज़े के होते हैं, कोकोज़ में होते हैं, ये एनर्जी बार आप कह सकते हैं इनको, मज़ेदार होते हैं। अभी ये खाते हैं, भूख बहुत लग रही है। इफ़ा को क्या मिल गया, इफ़ा क्या ले रही हो, एप्पल मूस? यस, ये छोटी बच्ची है ना हमारे घर में जो, नहीं जी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। डायरेक्ट ही हम आ गए जी H&M में, इफ़ा को अपनी जैकेट लेनी है और देखते हैं। ये शर्ट मुझे इतनी प्यारी लग रही है, इसका कलर भी और इसका स्टाइल भी, दोनों चीज़ें बहुत प्यारी हैं, लेकिन मेरा साइज़ नहीं है। बार बार मुझे ये शर्ट नज़र आ रही है लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं है, साइज़ होता तो मैं ज़रूर ले लेती, नीचे खुले से ट्राउज़र के साथ पहन के बहुत ही स्मार्ट लगता। ये स्वेटर अच्छा लग रहा है, ये भी XL है, इसका साइज़ देखें, कोई मीडियम में हो तो मुझे पूरा आए, ये तो XL है, बहुत ही खुला बड़ा। दिसंबर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता और रेड कलर आना स्टार्ट हो गया है, इसकी एक अपनी रौनक है। इफ़ा जैकेट ढूंढ रही है और मैं इफ़ा को ढूंढ रही हूँ। इफ़ा मिल रही है कोई जैकेट? नहीं, मुझे ये मिला। हमें कालसवे ही जाना पड़ेगा मुझे लगता है, नहीं। है ना, नहीं? अब हम जीन्स पे आ गए हैं, हमें जैकेट नहीं मिली जी फिर। लो जी जैकेट तो मिली कोई नहीं है, शर्ट मिल गई है, वो लेकर हम आ गए हैं, तो चलें चलते हैं घर वापस। रोटी खानी है, ब्रोड खानी है, कुछ भी खाना। भूख लग रही है इफ़ा को बहुत ज़्यादा, और बस इस चक्कर में कोई जैकेट भी नहीं मिली, एक शर्ट मिली है। चलो घर चलते हैं, खाना शाना खाते हैं और देखते हैं फिर क्या करते हैं हम। मौसम बहरहाल अच्छा हो गया, खुल के एक दफ़ा फिर ना, सर्दी ज़रा आज कम है, हवा देखें चल रही है, आपको नज़र आ रहा होगा पत्ते शत्ते हिल रहे हैं, खासे ही हिल रहे हैं, लेकिन वीडियो में नहीं शायद। मज़ेदार ही दिखा ले कि एक बारिश इतनी इतना मौसम चेंज कर देती है। हाँ एहसास करवाती कि सर्दी आ गई है और एक धूप है, एहसास करवाती कि गर्मी आ गई है। हो की रहा है वैसे आजकल, बस ड्रामेबाजी, मौसम की भी ड्रामेबाजी है अच्छी खासी। तो मैं सुनी थी, अच्छा नहीं आदमियों के भी बहुत ड्रामेबाजियाँ होती हैं, खाली औरतें तो हमें बदनाम है, नहीं, नहीं, क्यों आप सफाई पेश करने लगे? ऐसी गल कोई नहीं है। अच्छा
फिर वैसे ही झगड़ा निकल गया। आपके मुंह से बड़ा कुछ निकलता है लेकिन बस क्या करें अब आपका हम। जी जी चले जी हम घर पहुँच गए। घर नहीं मतलब पार्किंग में जनाब सामान निकाल लें सारा, ये बॉटल टूट ना जाए हाथ से स्लिप होकर। आ जाओ इफा, बड़ा हुआ। देखा मैंने आपको याद करवाया, आपने मुझे कहा हाँ हाँ, तो सारा सामान तो गाड़ी में ही है। पकड़ो जी पहनो जैकेट, गर्मी में जैकेट पहनी जा रही है, पहले सर्दी थी लेकिन अब गर्मी हो गई है। अच्छा जी देख लें जी मौसम, टाइम तकरीबन 2 बज रहे हैं, अभी हमने खाना खाना है। बड़ी तेज़ भूख लग रही है यार, कभी कभी भूख ना आपको जलील कर देती है, आज कुछ ऐसा ही सीन बना हुआ है। एक्चुअली हम भी बड़े जोश में निकल गए थे कि चलो इफा को भी पिक करते हैं, साथ डीएम भी चलते हैं, साथ मुझे चिल्ली सॉस लेना था, घर में वाइट ज़ीरा एंड हुआ पड़ा था, तो वो बस इस चक्कर में ना बस ऐसे ही उठ के निकल गए। अच्छा जी घर पे हम आ चुके हैं, बहुत से काम किए हैं, खाना भी खाया, आपको पता है कि वो तो बहुत ज़रूरी था, भूख बहुत लग रही थी। तो ये मैंने आज न्यू बेड कवर जो है ना इसको शुरुआत कर दिया बेड कवर्स की, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ जनाब। और जो मैंने पिलोज़ इस दफ़ा बनवाए हैं ना, ये मैंने संजाब वाले बनवाए हैं, वो मुझे बहुत ही पेंडू लगने लग गए थे, अब मैंने कहा उनको चेंज करो। और वैसे वो डोरी वाले नहीं थे मेरे, सादे ही थे, लेकिन वो सादे भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ये मेरी बहन ने जो है ना संजाब वाले बनवाने शुरू किए, तो मैंने उसके घर में देखे, खैर मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने कहा ये तो एवर ग्रीन है ना, तो बस फिर मैंने भी इस तरह से बनवा लिए हैं। बच्चों के कमरे का भी चेंज करना है तो वो भी चेंज करते हैं। अच्छा जी अब ये बच्चों के रूम में मैं आ गई हूँ, ये बेड कवर मैंने यहाँ पर भी चेंज किया है, तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। जब मैं ले रही थी तब मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, बस मैं कलर्स को देख रही थी कि कलर्स जो है ना वो रूम के साथ मैच कर रहे हैं और बेड के साथ ना, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, और यहीं पे अपनी वीडियो का जनाब हम करते हैं एंड। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।